Kathinas Rath, it is my pleasant duty to be calling upon Secretary Punjab Housing and Town Planning Agency, Khalid Nazir Vattu Saab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable guests, ladies and gentlemen. लाहौर को हम देखते थे तो मेरे नज़र में एक मैं कहा करता था ये एक डेवलप्ड विलेज है क्योंकि इसमें बुलंदो बाला फलक बोस इमारतें नहीं थी। तो मैं साल में एक दो दफ़ा कराची जाया करता था, कभी बाहर जाते थे तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखते थे, तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि लाहौर के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स क्यों नहीं हैं। आज जब मुझे इस प्रोजेक्ट का पता चला है कि लाहौर की सबसे ऊंची इमारत यहाँ बनने जा रही है तो एक दिल को खुशी हुई कि एक पुरानी ख्वाहिश थी कि यहाँ भी ऊंची इमारतें होनी चाहिए। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है तो वो आबादी अब घरों में उस तरह नहीं समा सकती, ये हमें ऊपर की तरफ ही वर्टिकली जाना पड़ेगा। और इससे दूसरा फायदा क्या होगा कि एक दूसरे की देखा देखी मोस्टली हम लोग काम करते हैं। जब एक ऐसी बिल्डिंग बनेगी, ये कराची की मैंने मिसाल दी, तो जब हम शुरू में जाते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 फ्लोर की कोई बिल्डिंग नज़र आ जाती थी, तो ये जब यहाँ 28 या 30 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनेगी उसके बाद इंशाल्लाह हम इससे भी ऊपर की बिल्डिंग्स देखेंगे। CBD का मंसूबा भी आ रहा है, उसके अंदर इंशाल्लाह वो जो उससे भी टॉल बिल्डिंग्स आएंगी। तो ये एक पहला एक स्टेप है जो मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी का बायस है कि किंगडम वैली ने इस काम को टेकअप किया है और इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे कि लाहौर की लुक भी मैनहट्टन की तरह या किसी भी इंटरनेशनल सिटी की तरह चेंज होगी। दूसरा जो है, हमारे पास किंगडम वैली का एक जो हमारे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट के साथ चल रहा है, आई विश कि ये उसमें भी इसी तरह की अच्छी इनोवेशंस, इसी तरह के अच्छे जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उसकी भी एक जो है, पहले से भी अगर से मैं जानता हूं कि उसकी लुक बहुत अच्छी है, बट आई विश कि उसकी भी लुक जो है वो इस्लामाबाद के लिए एक मॉडल बने और उसमें और ज़्यादा इनोवेशन आएँ। तो विद दीज वर्ड्स आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आप अपना ये प्रोजेक्ट टाइमली पूरा करें, आपका जो एंड यूज़र है उसके जो उसने जो कॉन्फिडेंस आप में पोज किया है उसके कॉन्फिडेंस पे आप पूरा उतरें और आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका ये जो बिजनेस है, ये फ्लरिश करे। थैंक यू सो मच।